संभल एक्सक्लूसिव, जनपद संभल में अनलॉक वन की शुरुआत होते ही पशु तस्कर हुए सक्रिय। बुलेरो कार सवार पशु तस्करों की पुलिस से मुठभेड़, एक पशु तस्कर घायल। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को लगी गोली, दो पशु तस्कर मौके से फरार। फरार पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है कॉम्बिंग। हयात नगर थाना क्षेत्र के संभल बैजोई रोड पर बबेना फैक्ट्री के पास हुई मुठभेड़। बदमाश को पकड़ा गया, एक बड़ी सफलता आप पुलिस को मिली है, क्या कहना है सर? आज ये क्राइम मीटिंग चल रही थी, थाना हयात नगर की एक पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी, एक संदिग्ध बोलेरो दिखी जिसको बबेना के पास रोकने का प्रयास किया गया था। ये मुजफ्फरपुर की तरफ थी, इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसमें से उतर के बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिससे एक सिपाही हमारा राहुल जिसके हाथ में गोली लगी वो घायल हो गया। इस मुठभेड़ में एक बदमाश भी घायल हुआ मारूफ नाम का, जो पकड़ा गया है, इसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, आज इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और ये बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है, जिसकी लिखा पढ़ी कर कार्रवाई की जा रही है। तो किस कैटेगरी का सर बदमाश था, क्या पशु तस्कर या किस ये तरह से? गोकस है, गोकसी के सातिर अपराधी है ये मारूफ, इसके ऊपर पहले भी मुकदमे हैं गोकसी के। थैंक यू सर। जनपद संभल में थाना हयात नगर क्षेत्र में बबेना के पास पुलिस मुठभेड़ हुई है। ये एक बोलेरो में कुछ पशु तस्कर थे जो संभल की तरफ से आ रहे थे और इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें एक हमारा कांस्टेबल घायल हुआ है और ये एक अपराधी जो मारूफ है वो घायल हुआ है, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके दो साथी मौके से फरार हो गए हैं, एक अरशद और फहीम, इनकी कॉम्बिंग की जा रही है, लगातार तलाश जारी है और वहाँ इनके पास से एक बोलेरो, एक तमंचा, कारतूस ये सब बरामद हुए हैं, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है।